हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एंडोर्समेंट एंड टाइप ऑफ एंडोर्समेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो लोग मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा और हाँ अगर आप लोगों को मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल कोर्स देखना अच्छा लगता है तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंडोर्समेंट की जो डेफिनेशन है वो हमें सेक्शन फिफ्टीन के अंदर दी गई है नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर तो एंडोर्समेंट क्या होता है एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब आपने अपने नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आप इंडोर्समेंट से करते हो ठीक है तो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट भी हमारे दो तरह के होते हैं बियर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ये मैं आगे बताऊंगी आपको तो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आपको इंडोर्समेंट से ही ट्रांसफर करना पड़ता है किसी दूसरे को ठीक है तो पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वेन द होल्डर ऑफ ए नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज चेक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट हु इज इंटाइटल टू गेट द पेमेंट जब नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जो है जिसको पेमेंट मिलनी है सिग्नेचर एट द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन जब अगर उसने जिसको पेमेंट मिलनी है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की वो होल्डर होता है तो अगर वो अपना इंस्ट्रूमेंट किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कैसे करेगा वो क्या करेगा उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने साइन कर देगा या तो फ्रंट पे साइन कर देगा या उसके बैक पे साइन कर देगा अगर उस नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पे इतनी जगह नहीं है तो फिर वो साथ में एक स्लिप अटैच कर देगा और उस पर साइन कर देगा ठीक है और ये एंडोर्समेंट का मकसद क्या होता है इसका मकसद होता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हिज राइट, मींस मींस वो अपना हक means, उसको पेमेंट मिलनी थी उस इंस्ट्रूमेंट की तो वो अपने इस हक को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है कि मेरी जगह पे अब पेमेंट तुम्हें मिलेगी तो इसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं ठीक है जो बियर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है वो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है डिलीवरी से लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें और डिलीवरी दोनों की जरूरत होती है नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट पीछे जो दी गई थी वो डेफिनेशन थी अब आ जाओ मीनिंग क्या है वेन अ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट इज साइंड एंड ट्रांसफर्ड बाई वन पर्सन टू एन अदर इन सच अ मैनर एज द राइट टू रिसीव द पेमेंट जब एक पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करके दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है सिर्फ इसलिए कि वो अपना राइट ट्रांसफर कर देता है कि मेरी जगह पे अब पेमेंट तुमको मिलेगी तो उसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं एंडोर्समेंट में हमारी दो पार्टीज होती हैं एंडोर्सर और एंडोर्सी तो इसका आप अलग से पॉइंट भी बना सकते हो पार्टीज टू एंडोर्समेंट तो दो पार्टीज होती हैं एंडोर्सर वो पर्सन होता है जो साइन करता है उस इंस्ट्रूमेंट को और एंडोर्सी वो पर्सन होता है जिसको आप ट्रांसफर करते हो वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है इन हुज फेवर द इंस्ट्रूमेंट इज इनकेस्ट इज नोन एज ओके नेक्स्ट इज इज द द द नॉर्मली मेड ऑन बैक साइड ऑफ पेपर ठीक है अब देखो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट पे मैंने आपको बताया कि आप इंडोर्समेंट फ्रंट पे भी कर सकते हो साइन करके सेंटर में या फिर आप बैक पे भी कर सकते हो ज्यादातर जो इंडोर्समेंट है वो बैक पे साइन करके ही होती है ठीक है लेकिन अगर कोई भी स्पेस नहीं है बैक साइड पे मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे कोई जगह नहीं है साइन करने की तो आप क्या करते हो एक सेपरेट सी जो शीट है अटैच कर देते हो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको हम एलॉन्जी बोलते हैं ठीक है उसके ऊपर आप साइन कर देते हो इंडोर्स करने के लिए ओके अब बियर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर मेयर बाय डिलीवरी ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी बताया है कि जो बियर इंस्ट्रूमेंट है वो डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है मीन्स डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है इंडोर्स हो जाता है लेकिन Uh, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आपको एंडोर्समेंट करनी पड़ती है पहले और फिर डिलीवरी करनी पड़ती है मीन्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पहले आपको साइन करने पड़ते हैं फिर उसको उस पर्सन को डिलीवर करना पड़ता है लेकिन बियर इंस्ट्रूमेंट में आपको साइन करने की जरूरत नहीं होती है आपको एज इट इज ही बस उस पर्सन को दे देना होता है अब बियर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जो बियर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कोई भी प्रेजेंट कर सकता कर सकता है जाके मीन्स जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी ओके okay? लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम पे होता है कि उसकी पेमेंट जो है सिर्फ वही रिसीव कर सकता है या फिर वो अगर किसी और को ऑर्डर करेगा तो वो रिसीव कर सकता है उसके बेहाफ पे ठीक है नेक्स्ट इज कैन एंडोर्स अब एक इंस्ट्रूमेंट को कौन एंडोर्स कर सकता है द पे इज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अ राइटफुल पर्सन टू मेक द फर्स्ट एंडोर्समेंट पेई कौन होता है पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट मिलनी होती है उस इंस्ट्रूमेंट की तो वो राइटफुल पर्सन होता है उसको एंडोर्स करने के लिए मीन्स अगर उसने भी आगे किसी को पेमेंट करनी है उस पेई ने तो वो क्या करेगा उसी इंस्ट्रूमेंट को उसको दे देगा ठीक है तो जो फर्स्ट एंडोर्समेंट है वो ज़्यादातर पे ही करता है और कौन एंडोर्स कर सकता है होल्डर कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है जो होल्डर है उस चीज़ का उस इंस्ट्रूमेंट का वो उसे एंडोर्स कर सकता है या फिर द ड्रॉर और द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट बट ड्रॉर और मेकर जो है जो खुद बनाता है इंस्ट्रूमेंट को वही आगे नहीं कर सकता लेकिन इसमें कंडीशन है अगर ड्रॉर और मेकर जो है वो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाता है खुद उसके पास ही इंस्ट्रूमेंट आ जाता है होल्डर बन जाता है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट को आगे इंडोर्स कर सकता है अगर एक से ज्यादा पे इसको आपने इंस्ट्रूमेंट दिया है मीन्स पे आपके ज्यादा है मीन्स जिनको पेमेंट मिलनी है वो एक से ज्यादा है तो सारे लोग साइन करके सारे पे ही एक साथ बैठ के साइन करके उस इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर सकते हैं लेकिन एक कंडीशन है कि जो स्ट्रेंजर है वो कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स नहीं कर सकता स्ट्रेंजर कौन होता है मीन्स जो पार्टी नहीं है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इफ ही डो अगर स्ट्रेंजर जो है वो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को आगे ट्रांसफर करता है तो अगर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है मीन्स उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं होती है तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते क्यों क्योंकि स्ट्रेंजर तो इंडोर्स कर ही नहीं सकता लेकिन अगर स्ट्रेंजर इंडोर्स करता है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को तो उस स्ट्रेंजर को हम बैकर बोलते हैं ठीक है थीके? अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर स्ट्रेंजर गारंटी देता है किसी की पेमेंट की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मींस गारंटी क्या होता है कि अगर इस पर्सन ने पेमेंट ना करी तो इसकी जगह पे मैं पेमेंट करूंगा तो अगर स्ट्रेंजर कोई ऐसी गारंटी देता है तो फिर उस केस में अगर पेमेंट नहीं होती है टाइम पे तब कोर्ट में उसको लेके जा सकते हो कि इस पर्सन ने मुझे गारंटी दी थी और मुझे पेमेंट नहीं हुई है अब इसको बोलो मुझे पेमेंट करे तो वहां पे स्ट्रेंजर के खिलाफ आप केस कर सकते हो क्यों क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेंजर है वो श्योरिटी बन जाता है लेकिन एक जो स्ट्रेंजर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स नहीं कर सकता क्लियर नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑफ ए वैलिड इंडोर्समेंट एक वैलिड इंडोर्समेंट होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है फर्स्ट द एंडोर्समेंट शुड बी मेड बाय द होल्डर ऑफ द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट को होल्डर ही करे और जो स्ट्रेंजर है वो उसे एंडोर्स नहीं कर सकता ये पॉइंट मैंने अभी बताया है नेक्स्ट इज द एंडोर्समेंट शुड ऑलवेज बी मेड विद एम ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट कंटेन इन द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट का मकसद यही होना चाहिए कि आप उसमें उस राइट उस right को ट्रांसफर कर रहे हो कि मीन्स मेरी जगह पे आप पेमेंट तुम लोगे एंड इट शुड बी मेड ऑन द बैक साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर ये मैंने बताया आपको कि इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे ही होती है बैक साइड पे आप साइन करके दूसरे पर्सन को दे देते हो अगर सफिशियंट स्पेस नहीं है तो एक आप सेपरेट पेपर अटैच कर देते हो जिसको हम एलॉन्जी बोलते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ ओके इंडोर्समेंट हमेशा इंक में की जाती है मीन्स पेन से की जाती है पेंसिल से अगर आपने कोई साइन करके दूसरे पर्सन को दे दिया है तो वो वैलिड इंडोर्समेंट नहीं मानी जाएगी या फिर रबर स्टैम्प से अगर आप करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी नेक्स्ट इज वाइल मेकिंग एन इंडोर्समेंट यूज ऑफ वर्ड शोइंग रिस्पेक्ट सच एज ऑनरेबल बाबू लाला पंडित बाबूलाटी शुड नॉट बी यूज इंडोर्समेंट करते समय आप किसी भी पर्सन के आगे ये वाले नाम यूज नहीं करेंगे ऑनरेबल लगा दिया जैसे ऑनरेबल राजकुमार या फिर कुछ भी लगा दिया बाबू लाला लगा दिया तो ये वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं लेकिन अगर आप किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो जैसे अगर कोई डॉक्टर है या प्रोफेसर है अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि मोहन लाल कैप्टन जो कि कैप्टन है ठीक है ये कंपलसरी नहीं है मीन्स आप ये कर सकते हो लेकिन जो ऊपर वाले वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जिसमें ऑनरेबल है ये तो आपको यूज करने ही नहीं है इट मस्ट बी साइन बाय द एंडोर्सर ऑब्वियसली एंडोर्समेंट तो तभी पूरी होगी ना जब आप उस उसमें साइन करोगे तो साइन एंडोर्सर के होने बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज इन केस एनी इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ड्रॉन इन फेवर ऑफ ए वुमेन बिफोर शी वॉज मैरिड इंस्ट्रूमेंट आफ्टर हर मैरिज अब मैरिज से पहले एक वेन के पास इंस्ट्रूमेंट आया जो की होल्डर थी उस इंस्ट्रूमेंट की मैरिज से पहले वो थी नीरा गुप्ता ठीक है मैरिज के बाद वो बन गई नीरा अग्रवाल अब अब वो इंडोर्स करना चाहती है शादी के बाद तो उसका सरनेम चेंज हो गया है तो फिर वो क्या करेगी तो उस केस में वो दोनों नाम लिखेगी फॉर एग्जाम्पल इफ द नेम ऑफ द ड्रॉर बिफोर द मैरिज वॉज नीरा अग्रवाल सॉरी मैंने अपोजिट बोल दिया था कि अगर मैरिज से पहले उसका नाम नीरा अग्रवाल है और शादी के बाद उसका नाम नीरा गुप्ता हो गया है तो फिर वो दोनों नाम ऐसे लिखेगी नीरा गुप्ता जो उसका अभी प्रेजेंट नेम है और पहला नाम क्या था नीरा अग्रवाल मतलब दोनों नाम मेंशन करेगी

द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आपने एंडोर्समेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पे साइन तो कर दिए लेकिन उसे अपने पास रख लिया तो फिर वो वैलिड एंडोर्समेंट कैसे मानी जाएगी आपको उसको उस पर्सन को डिलीवर भी करना पड़ेगा जिसको आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करना है ओके okay? अब आ जाओ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट हमारी बहुत तरह की होती है तो ये सारी एंडोर्समेंट जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसके सेक्शंस जो है वो साथ में मेंशन है फर्स्ट ट्रांसफर करना है कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो मान लेते हैं अगर आपने, करना है, आपने क्या करा उसके ऊपर साइन करके उस पर्सन को दे दिए आपने ये नहीं लिखा कि किसको देने हैं सिंपल आपने साइन किए खाली साइन करे और दे दिए वो हो गई हमारी ब्लैंक एंडोर्समेंट इफ द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट डज नॉट नेम जब आप जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो अपना इंस्ट्रूमेंट उसका नाम आप मेंशन नहीं करते हो सिंपल साइन कर देते हो तो उस एंडोर्समेंट को हम ब्लैंक या जर्नल एंडोर्समेंट कहते हैं अब ब्लैंक एंडोर्समेंट हैज एन इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट इनटू द बियर इंस्ट्रूमेंट देयर बाय मेकिंग इट नेगोशिएबल बाय डिलीवरी तो ब्लैंक एंडोर्समेंट जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट को बियर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देती है मीन्स आपने नाम तो नहीं लिखा ना आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो तो वो बियर ही तो बन गया ना मीन्स जिसको आप दोगे जिसके हाथ में होगा वही प्रेजेंट कर देगा तो ए इजिली आप डिलीवरी से उसे पर्सन को दे सकते हो मीन्स डिलीवरी की और वो एंडोर्स हो गया फॉर एग्जाम्पल इफ ए अ अ बी गिवस वन थाउजेंड पेबल टू ऑर्डर ए ने बी को चेक दिया वन थाउजेंड का ठीक है जो कि पेबल टू ऑर्डर था एंड बी मेयरली पुट्स सिग्नेचर अब बी ने क्या करा बी के पास चेक आया जो कि ऑर्डर चेक था बी ने क्या करा उसके ऊपर अपने साइन करे उसके बैक पे उस चेक की बैक में साइन करे और सी को दे दिया अब बी ने यहाँ पे क्या करा ब्लैंक एंडोर्समेंट करी उसने सिर्फ साइन करे और सी सी को दे दिया C का नाम नहीं लिखा तो ऐसी एंडोर्समेंट को हम ब्लैंक कहेंगे ओके अब आ जाओ कंप्लीट स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट बिल्कुल उसी पॉइंट को लेके मैं आपको समझाऊंगी वही जो चेक वही एग्जांपल जो करी थी हमने अगर बी जो है साथ में सी का नाम भी लिखता है बैक पे और अपने साइन भी करता है तो वो फुल एंडोर्समेंट हो जाएगी सिग्नेचर ऑफ़ दस देश द पर्सन इन हूज फेवर दब एंडमेंट करते समय सिग्नेचर के साथ साथ आप ये भी मैंशन करते हो कि आप किसको इंडोर्स कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम स्पेशल या फुल या कम्प्लीट एंडोर्समेंट कहते हैं तो किसी किसी बुक में कम्पलीट होगा वर्ड किसी में स्पेशल होगा तो ये सारे एक ही हैं इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने जैसे कि इसकी एग्जाम्पल देखो पे राम ऑर टू हिज ऑर्डर आपने बैक पे लिख दिया पे राम ऑर टू हिज ऑर्डर और साथ में अपने साइन कर दिए तो ये एग्जाम्पल है हमारी स्पेशल एंडोर्समेंट की नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ए ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट इन टू अल एंडोर्समेंट आप ब्लैंक एंडोर्समेंट को स्पेशल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमारा सेक्शन 49 के अंडर गिवन है वेन अ पर्सन रिसीव नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इन ब्लैंक अगर किसी पर्सन को नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक में मिला है खाली मिला है मीन

उसने बी ने ए को क्या दिया ब्लैंक एंडोर्समेंट दी सिंपल साइन करके ए को दे दिया अब A ने क्या किया ए ने अपने sign करने की जगह मतलब A ने अब आगे C को transfer करना था वही इंस्ट्रूमेंट तो A ने अपने sign करने की जगह वही बी के जो साइन थे उसी के ऊपर लिख दिया पे सी और टू ऑर्डर तो अब ए ने क्या करा ए ने उस ब्लैंक एंडोर्समेंट को क्या बना दिया फुल एंडोर्समेंट बना दिया बी ने तो ब्लैंक एंडोर्समेंट दी सिंपल साइन करके अब A ने उसी साइन के ऊपर मतलब के के or को तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है एंडोर्सर क्यों क्योंकि उसने क्या किया इट मियरली अमाउंट टू स्पेशल एंडोर्समेंट बाय बी इन फेवर ऑफ सी तो अगर उस इंडोर्समेंट को आप देखोगे तो आपको यह लगेगा कि ये तो डायरेक्ट बी ने किसको दी है सी को दी है क्या दी है फुल एंडोर्समेंट दी है क्योंकि साइन तो बी के है ना उसी के ऊपर उसने लिख दिया C or his order. तो पे सी और हिज ऑर्डर तो यहाँ पे ए तो कहीं हुआ ही नहीं ए तो कहीं पे है ही नहीं उसके साइन ही नहीं है कहीं पे तो उसने क्या करा ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे जो ए है वो किसी भी उसमें लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो तो एंडोर्सर है ही नहीं है तो ये कहा जाता है कि कोशिश करिए कि ब्लैंक एंडोर्समेंट जो है वो नहीं की जाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है इसे तो कोई भी फुल में कन्वर्ट कर सकता है और अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर सकता है अगर ये फुल एंडोर्समेंट दी होती सपोज बी ने ए को साइन भी करे होते और ए का नाम भी लिखा होता तो उस केस में फिर ए को अपने साइन करने पड़ते और फिर सी को देना पड़ता तो वहां पे ए लाइबल हो जाता लेकिन यहाँ पे बी ने सिंपल ब्लैंक एंडोर्समेंट दिए अपने साइन करके ए को दे दिए ए ने सिंपल उसमें सी का नाम लिख दिया और उसे फुल में कन्वर्ट कर दिया और दे दिया सी को तो यहाँ पे जो लाइबल पार्टीज बनेगी वो बी और सी ही बनेगी उसमें ए जो है वो कहीं पर भी नहीं है ओके नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जो कि हमारी सेक्शन 50 के अंडर आती है रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना वन द इंडोर्सर वाइल मेकिंग द इंडोर्समेंट यूजिंग सर्टेन वर्ड टू द इफेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट शेल नो लॉन्गर भी इंडोर्सेबल इन फ्यूचर जब कोई इंडोरसर ये चाहता है की अब ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर ना हो मीन्स मैं इसे रोक दूं यहीं पे कि अब ये फर्दर इंडोर्सेबल ना हो तो इस तरह की को हम रिस्ट्रिक्टिव करते हैं कहते हैं कहते और ये जो इंडोर्समेंट है वो कोई भी इंडोर्सर कर सकता है और ये हम कैसे कर सकते हैं अगर हम किसी पर्सन के आगे ओनली वर्ड लगा दे किसी के नाम के आगे अगर हमने साइन करे इंडोर्सर ने साइन करे अपने और ऊपर लिख दिया पे टू ए ओनली मतलब इसकी पेमेंट सिर्फ ए को ही होएगी ओनली वर्ड ऐड कर दिया तो यहाँ पे जब ए के पास वो इंस्ट्रूमेंट गया तो ए आगे उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता क्यों क्योंकि जो पुराने वाला जो पहले वाला एंडोर्सर है उसने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये अब आगे सर्कुलेशन में नहीं जाएगी मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आगे एंडोर्स नहीं होगा तो इस तरह की हम इंडोर्समेंट को रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट बोलते हैं नेक्स्ट इज पार्शियल एंडोर्समेंट ये सेक्शन 56 के अंडर आती है ये क्या होती है वेन द एंडोर्सर ऑर्डर टू पे ओनली पार्ट ऑफ द अमाउंट मैं इंस्ट्रूमेंट जब एंडोर्सर ऑर्डर करता है कि सिर्फ टोटल अमाउंट में से मैं कुछ हिस्सा ही एंडोर्स कर रहा हूं कुछ कुछ अमाउंट ही एंडोर्स कर रहा हूं उसे हम पार्शियल एंडोर्समेंट कहते हैं ये एंडोर्समेंट वैलिड नहीं मानी जाती है प्रॉपर नहीं मानी जाती है और ए इज द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ए जो है वो इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है फॉर रुपीज वन थाउजेंड लेकिन उसने क्या करा एंडोर्स करा सिर्फ फाइव हंड्रेड को ही द इंस्ट्रूमेंट एज टू बी हिज ऑर्डर एंडोर्स ओनली तो ये जो एंडोर्समेंट है वो एक हजार के इंस्ट्रूमेंट में से आप सिर्फ पांच सौ ही एंडोर्स कर रहे हो तो ये पार्शियल एंडोर्समेंट हो गई ना कुछ हिस्से की तो ये इन वैलिड इंडोर्समेंट होती है इसे आप नेगोशिएट आगे नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट इज कंडीशनल और क्वालिफाइड एंडोर्समेंट ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा मीन्स जिस एंडोर्समेंट में कंडीशन जुड़ी है कोई ठीक है उसे हम एक कंडीशनल इंडोर्समेंट कहते हैं व्हेन द इंडोर्सर इंसर्ट्स अ कंडीशन इन द इंडोर्समेंट अगर इंडोर्सर कोई कंडीशन जोड़ देता है इंडोर्समेंट करते समय तो उसे कंडीशनल इंडोर्समेंट कहते हैं जैसे कि इंडोर्समेंट के टाइम पे एन an endorsement which दैट that अमाउंट विल will be payable if the endorsee attains the majority. कि amount तभी payable होगा जब endorsee मेजर 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 बन जाएगा वो वो वाला नहीं means जब वो 18 साल का हो जाएगा जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेगा तभी उसको पेमेंट होगी तो यहाँ पे आपने कंडीशन जोड़ दी ना तो जब तक एंडोर्सी मेजर नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगी तो ये हो गई हमारी कंडीशनल एंडोर्समेंट द एंडोर्सर कैन वाइल मेकिंग द एंडोर्समेंट लिमिटेड लाइबिलिटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट मीन्स आप किस किस तरीके से कर सकते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट

आप उसमें क्लियर कर देते हो एंडोर्सी को कि या फिर जितने भी होल्डर्स होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के कि अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है मीन अगर उसकी पेमेंट नहीं होती है तो मैं उस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं अगर आप इस तरह के एंडोर्समेंट करते हो तो उसका रिजल्ट ये होता है इन सच एन एंडोर्समेंट द वर्ड सैन रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स मस्ट बी यूज तो आप इसमें ये वर्ड यूज कर देते हो जैसे कि आप कह देते हो पे ए और ऑर्डर सैन रिकोर्स या फिर आप ये वर्ड लिख देते हो या फिर आप ये लिख देते हो पे ए विदाउट रिकॉर्ड टू मी आर द एग्जाम्पल ऑफ ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल अब ये क्यों की जाती है आप ऐसे आ, कैसे आप अपनी जिम्मेदारी को हटा सकते हो मीन्स ऐसे लिख के तो ये की जाती है एक एजेंट की तरफ से ज्यादातर अब एजेंट कौन होता है एजेंट वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है ठीक है तो अब एजेंट अगर साइन करके इंस्ट्रूमेंट दे रहा है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट किसी पार्टी को तो एजेंट अपने लिए तो काम नहीं कर रहा है ना वो तो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है तो वो खुद जिम्मेदार क्यों होगा अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो वो ये चीज उसमें लिख देता है कि पे टू बी और सैन रिकोर्स मीन्स अगर ये नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ एक एजेंट क्यों जिम्मेदारी लेगा क्योंकि वो तो किसी और के लिए काम कर रहा है ना वो उसका काम तो नहीं है ना ठीक है ना तो वो तो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो लाइबल तो प्रिंसिपल होना चाहिए तो इसलिए वो इस तरह की एंडोर्समेंट करता है ठीक है जिसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट डिसऑनर टू बी सर्व अपॉन हिम जब एक इंडोर्समेंट इस तरह की इंडोर्समेंट करता है तो उसमें वो ये कहता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा डिसऑनर होता है मीन्स अगर उसकी टाइम पे पेमेंट नहीं होती है तो किसी भी पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है डिसऑनर का तो इस तरह के इंडोर्समेंट को हम फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट कहते हैं तो इसमें आप किस तरह की लैंग्वेज लिखते हो इस इस तरह के इंडोर्समेंट में आप लिखते हो पे ए और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड मींस आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नोटिस देने की जरूरत नहीं है तो पार्टीज जो है वो रिलैक्स हो गई नहीं पार्टीज जो है वो तब भी लाइबल रहेंगी ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये लाइन लिख दी तो मीन्स अगर पेमेंट नहीं हुई तो कि कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं है मीन्स आप कोर्ट में नहीं जा सकते ऐसा नहीं है पार्टीज तब भी लाइबल रहेंगी चाहे नोटिस नहीं भी दिया गया ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि नोटिस की फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ये जो एंडोर्समेंट है ये ये कहती है नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर डिपेंडेंट अपॉन द कंटिजेंसी जेंसी होता है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती वन दुटिंजेंट uh, uh, मतलब है वेन द एंडोरसर इंडोर्स एन इंस्ट्रोमेंट इन सच अ वे दैट इज लाइबिलिटी डिपेंड अपॉनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विच मे और मे नॉटन ठीक है जब एक इंडोरसर इस तरीके से इंस्ट्रोमेंट को इंडोर्स करता है जिसकी लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी सिर्फ एक इवेंट के हैपन होने पर डिपेंड होती है कि वो इवेंट अगर हुआ अब वो इवेंट ऐसा है कि जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता है जैसे कि अगर आपने लिख दिया or पे ए और ऑर्डर ऑन द अराइवल ऑफ कंजाइनमेंट एट मुंबई अगर मुंबई पे कंजाइनमेंट आएगी तभी पे ऑर्डर मतलब तभी आप ए को पे करोगे अगर मुंबई पे कंसाइनमेंट अराइव ही नहीं हुई या फिर इम्पॉसिबल हो गई सपोज शिप से आ रही थी कंसाइनमेंट अगर शिप डूब गया तो वो तो इम्पॉसिबल हो गई ना अब तो आ ही नहीं पाएगी वो अब मुंबई पे तो वहां पे जो है वो लाइबिलिटी इंडोरसर की खत्म हो जाती है इन सच ए केस द इंडोरसर विल नॉट बी लाइबल अनटिल द हैपनिंग ऑफ द इवेंट जब तक वो इवेंट हैपन नहीं हो जाता तब तब तक वो लाइबल नहीं है ठीक है लेकिन अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ डूबी गया तो फिर इंडोरसर की लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट इज सेंस फ्रेस एंडोर्समेंट वेन द एंडोर्सर डज नॉट वॉन्ट द एंडोर्सी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इंकर एनी एक्सपेंस ऑन द अकाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जब एंडोर्सर ये चाहता है कि कोई भी एंडोर्सी या फिर कोई भी होल्डर इसके ऊपर कोई भी खर्चा ना करे तो वो इस तरीके की एंडोर्समेंट करता है मीन्स कोई भी एक्सपेंस ना खर्च करे इन सच अ केस तो वो किस तरीके के वर्ड्स लिखेगा वो लिखेगा सेंट फ्रेंस और विदाउट एक्सपेंसिस टू द एंडोर्समेंट मीन्स आप उसके साथ ये वर्ड्स एड कर देंगे तो वो सेंट फ्रेंस एंडोर्समेंट बन जाएगी ओके okay? नेक्स्ट इज नैगोसिएशन बैक ये एक टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए कई बार टू मार्क्स में भी आ जाती है या फाइव मार्क्स में आ जाती है कि क्या होती है ये टर्म इट इज़ अ सिचुएशन वे आर द इंस्ट्रूमेंट अगेन रीच इन दैंड ऑफ द इंडोर्स नेगोसिएशन बैक एक ऐसी टर्म है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट अगर आपने इंडोर्स करा ठीक है इंडोर्स करके वो घूम फिर के फिर से आपके हाथ में आ गया तो उसे बोलते हैं हम नेगोशिएशन बैक मीन आपने इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे को दिया दूसरे ने तीसरे को दिया तीसरे ने ने चौथे चौथे को दिया दिया और ने फिर आपको ही दे दिया. वो जो इंस्ट्रूमेंट आपने किसी और को एंडोर्स करा था वो घूम फिर के फिर आपके पास आ गया तो वो होती है हमारी नेगोशिएशन बैक द मेन इफेक्ट ऑफ नेगोशिएशन बैक दैट द इंटरमीडियरी पार्टीज इंटरमीडियरी होती है जो बीच की पार्टीज हैं आर नो लॉन्गर लाइबल टू द होल्डर ठीक है तो इसका असर ये होता है कि फिर जो पार्टीज होती है वो लाइबल नहीं रह जाती हैं वो रिलीव हो जाती हैं अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाती हैं अब कैसे मैं बताती हूँ ए ने बी को पैसे देने थे बी ने सी को देने थे सी ने डी को देने थे डी ने ई e को देने थे ई e ने फिर ए को ही देने थे तो अब बात तो फिर वही आ गई ना कि एक ए ने देने भी थे और ए ने लेने भी थे तो जो बीच की पार्टीज है ना बी सी डी ई वो सब जो है वो मुक्त हो जाएंगी रिलीव हो जाएंगी नेगोशिएशन बैक ये होती है अब इसकी एक एग्जांपल है अब बिल ड्रॉ किया गया पे टू ए और ऑर्डर मतलब या तो ए को पे करो या फिर उसके ऑर्डर पे ए ने उस बिल को एंडोर्स कर दिया बी के बी को अब बी ने आगे सी को कर दिया सी ने आगे डी को कर दिया डी ने आगे ई e को कर दिया अब ई e ने अगेन वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किसको कर दिया ए को कर दिया अब ये हो गई नेगोशिएशन बैक दिस इंडोर्समेंट इज नोन एज नेगोशिएशन बैक सिंस ए इज द बैक इन हिज़ ओरिजिनल पोजीशन अब ए जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया है ही कैन नॉट फाइल अ फॉर द रिकवरी अगेंस्ट द अदर पार्टीज तो जो बाकी बीच की पार्टीज होती हैं वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीव हो जाती हैं तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है पेमेंट नहीं होती है तो फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकता बाकी पार्टीज के अगेंस्ट क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गई है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट वापिस उसके पास आ गया है लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं देखिए कैसे हाउ एवर वेन अ पर्सन मेक्स अम रिकोर्स एंडोर्समेंट अगर पर्सन सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट करता है जो मैंने अभी बताई है देन अगेन होल्डर uh, अगर उस केस में वो फिर से बनता है, back उसके पार्टीज रिलीव तो उस नहीं होती हैं वो लाइबल ही रहती हैं क्योंकि सैन रिकोर्स इंडोर्समेंट क्या कहती है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है डिसऑनर होने पर इनकेस ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंट्रूमेंट द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन रिकवर दमाउंट फ्राम एनी ऑफ द पार्टीज और द इंटरमीडिएट इंडोर्सेंस ठीक है तो डिसऑनर अगर होता है वो इंस्ट्रूमेंट तो जो होल्डर होता है उस इंस्ट्रूमेंट का तो वो सारी पार्टी से पैसे ले सकता है या फिर किसी भी एक पार्टी से पैसे ले सकता है मतलब मिलके पैसे ले सकता है या फिर मतलब वो किसी के खिलाफ भी केस कर सकता है अगर वो सेम रिकورس एंडोर्समेंट करता है ठीक है तो ये एक्सेप्शन है नेगोशिएशन एक्ट की अगर वो सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट नहीं करता है सिंपल एंडोर्समेंट करता है तो उस केस में जो जो इंटरमीडियरी पार्टीज होती हैं कि बी सी डी ई वो सारी की सारी ही रिलीव हो जाती हैं अब वही वाली मैं फिर फिर से से ले रही हूं कि ई e ने इंस्ट्रूमेंट ए को फिर से दे दिया अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ पिछली वाली में ए ने सिंपल एंडोर्समेंट करी थी लेकिन इस एग्जाम्पल में ए ने क्या करी है सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट करी है और बिल को भेजा है बिल बी के पास गया फिर सी के पास गया फिर डी के पास गया फिर ई e के पास गया अब ई e ने जो है वो वापस ए e को दे दिया ठीक है तो यहाँ पे एंडोर्समेंट हुई है तो यहाँ पे क्या होगा अगर डिसऑनर होगा वो बिल ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ देम मतलब वो सबसे पैसे रिकवर कर सकता है या फिर किसी एक से कर सकता है इफ ए वॉन्ट्स टू देन ही कैन फर्दर एंडोर्स द बिल बट ही विल हैव टू द नेम्स ऑफ द इंटरमीडियर एंडोर्सर्स ऑन द बिल लेकिन अगर ए चाहता है कि वो उसी इंस्ट्रूमेंट को दोबारा किसी और को दे दे मींस इन पार्टीज के अलावा आगे किसी और को दे दे तो उस केस में उसको बी सी डी ई जो इंडोर्सर्स है इनका नाम कैंसिल करना पड़ेगा और उसे किसी और पार्टी को देना पड़ेगा अगर ए ये चाहे और अगर ए ऐसा करता है ऐसे इंडोर्समेंट के साथ तो उसे हम कहते हैं टेकिंग अप ऑफ अ बिल ओके सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू